उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर के पुराने शहर में नियम विपरीत निर्माण को लेकर आज दूसरे दिन भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए वहां एक आवासीय मकान के 3 फ्लोर सीज किए हैं। निगम ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वहां आगे किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं करने पर पाबंद किया है। नगर निगम की टीम ने आज सुबह शहर के गलिया देवरा क्षेत्र में जाकर कार्रवाई की। वहां पर राजेश औदिच्य नामक व्यक्ति के वहां पर चल रहे निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज किया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर निगम की टीम ने वहां पर नियमों के विपरीत हुए निर्माण वाले भाग को सीज किया। वहां पर तीसरे, चौथे और पांचवें फ्लोर को नगर निगम ने सीज कर दिया। निगम ने चस्पा किए नोटिस में चेतावनी दी है कि सीज परिसर में किसी भी प्रकार की गतिविधियां की जाती है तो पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। टीम में नगर निगम के ATP विजय डामोर, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीना और सुरक्षा कर्मी साथ थे। उदयपुर के शिल्पग्राम रोड पर शुक्रवार देर रात को एक हादसा हो गया। शिल्पग्राम रोड पर तेज रफ्तार में आ रहे हैं एक अज्ञात वाहन ने मारुति कर चपेट में ले लिया। हादसे में कार चालक को गंभीर चोट आई है, वहीं मारुति के एयर बैग खुलने से कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। शहर के बाजारों में काले जामुन विक्रय होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों गुजरात के अलावा गांव बड़ी मदार, डागियों का गुड़ा, लखावली आदि गांव से काले जामुन शहर में विक्रय के लिए आए हुए हैं। काले जामुन बहुत ही लाभकारी फल हैं। जामुन के विषय में ऐसा बताया गया कि शुगर की बीमारी के लिए काले जामुन का नियमित सेवन करने से शुगर नामक बीमारी नियंत्रित रहती है। काले जामुन को शुगर के लिए रामबाण की अचूक दवा बताया गया है। इसके अलावा जामुन के बीज को सुखाकर इसका पाउडर कई बीमारियों के काम में लिया जाता है। शहर में वर्तमान में सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट आदि स्थानों पर काले जामुन के स्टाले लगी हुई हैं। काले जामुन 50 रुपए के 250 ग्राम की राशि तक विक्रय हो रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे नई 100 फीट सड़क पर फिर भराव डालना शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार प्रशासन की ओर से उदयपुर के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे से कुम्हारों का भट्टा तक नया सड़क मार्ग बनाया गया। इस सड़क मार्ग पर पूर्व में लाखों टन भराव डालकर भराव के पहाड़ बना दिए गए। ये देखते हुए प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने अपने स्तर पर इस स्थान पर गार्ड तैनात किया, भराव डालने पर प्रतिबंध लगा दिया, इस स्थान पर और भराव डालने वालों पर जुर्माना तय किया। भराव के पहाड़ को प्रशासन ने अपने वाहनों में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर भराव को अपने स्तर स्थान से हटाकर सड़क मार्ग को सुचारू किया। इस सड़क मार्ग से भराव की ढेर हटाने के बाद प्रशासन ने आवंटन भूमि पर बाउंड्री वॉल बना दी। इस स्थान पर गार्ड तैनात किए गए ताकि लोग फिर इस स्थान पर भराव नहीं डालें। गार्ड के हटने के बाद लोगों ने इस सड़क मार्ग के दोनों छोरों पर फिर भराव के ढेर लगाना शुरू कर दिया है। सागर के छिछले पानी में शिकार की तलाश में प्रतीक्षा करते बगुले नामक पक्षियों का समूह। जानकारी के अनुसार मांसाहारी पक्षियों का समूह अपने शिकार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं एवं शिकार के लिए एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर पलायन करते हैं। पक्षियों के समूह के उड़ान के समय इन्हें निश्चय ज्ञान होता है कि अगला पानी का तालाब कहाँ और कितनी दूर है। इसी कड़ी में शहर के फतहसागर झील के रानी रोड छोर पर झील के छिछले पानी में बगुले नामक पक्षियों का समूह अपने शिकार के लिए प्रतीक्षा करते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बहुत जल्द जेल की हवा खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में दिलावर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि डोटासरा से भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है जिन्होंने पेपर लीक प्रकरण में पेपर बिकवाए हैं। अब जब चार्ज एजेंसी किसी उनकी तरफ घूम रही है तो वह सब पका रहे हैं, जल्द ही वे जेल की हवा खाएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।